अबे ओए गिर गया भाई मेरे ऊपर में। ओ भाई लग गया भाई मेरे ऊपर ऊपर। सो हेलो गाइस वेलकम बैक अगेन टू द चैनल श्यामल मोटो व्लॉग। देख रहे हो भाई यहाँ पे जो है कहीं से भी कहाँ से भी तान मार देता, कोई मतलब इसका वो नहीं है। इधर अभी सब लोग को मिल लिया है तो अभी भाई लोग फुल रेडी हो गया जाने के लिए। अभी जो ऐसे इवनिंग राइड एंजॉय करके आते हैं। बाकी यार ब्लॉग तो बहुत दिन हो गया, महीना तो हो ही गया होगा। अब ये किसको क्या बोल रहे भाई। बहुत दिन के बाद लिखावाली आज जा रहा है, लगभग एक महीने से हो गया जब से बीजी नहीं जा रहा है तब से हम लिखावाली गया ही नहीं है। और लिखावाली जो है बेसिकली अरुणाचल है, तो अरुणाचल का गेट मतलब इधर घुसना पड़ता है, लिखावाली से ही मतलब अरुणाचल स्टार्ट हो जाता है। हम लोग जो है थोड़ा आगे निकलने का कोशिश कर रहा था लेकिन भाई नहीं हुआ, बहुत लेट कर दिया ये लोग। तो यार कोई नहीं चल जाएगा, लेकिन धूप होने से और भी अच्छा होना था, मतलब धूप होने से वीडियो क्वालिटी मस्त हो जाता है। जितना धूप का रोशनी मिलेगा गोप्रो में मतलब वीडियो क्वालिटी अच्छा होता है। अभी हम लोग आके पहुंच गया एमएस हर्ष मार्केट है मतलब यहाँ में। तो यार बीस को थोड़ा सा भगाते हैं, सही है भाई क्या ही खतरनाक खींचता है बे, आई लव इट। OMG 390 हम लोग बिगिनर के लिए सुपर बाइक की तरह फील देता है। भैया 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 देख लो हम लोग भी आ रहे हैं, हम लोग को हिम्मत भिगाओ क्योंकि भेजने मन नहीं है। अभी जो है ठंड का मौसम आ गया तो भाई ठंड तो लगता ही है ऑब्वियसली। और यहाँ का रोड जो इतना ख़राब करके रखा है ना, ख़राब करके मतलब होता ही है ख़राब क्योंकि पहाड़ का पानी आ जाता है, थोड़ा बारिश देने से पूरा पानी आ जाता है यहाँ पे। और अभी हम लोग जो है अरुणाचल एंट्री हो गए, अभी हम लोग है मतलब लिखावाली में। और इधर से जो है मालिनी मंदिर जा सकता है। और बाकी ये अरुणाचल पुलिस का स्टेशन है, अरुणाचल पुलिस स्टेशन। दोस्त बोल रहा था कि यहाँ पे फ्यूल अप कर लेते हैं और मैंने बोला कि भाई आगे भी है तो आगे जाके हम लोग फ्यूल अप करने वाले हैं। और यहाँ से जो है आलो जा सकता है, बोमे जा सकता है, यांकिंग जा सकता है। यांकिंग यहाँ से 248 किलोमीटर है। देख रहे हो भाई टर्निंग सब क्या ही पे, टर्निंग हमको बहुत अच्छा लगता है, हमको मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है। भाई मैं वीडियो में कभी कभी मतलब हमको ज़्यादा बोलता हूँ ना तो भाई कुछ गड़बड़ हो जाते हैं तो माफ़ कर देना भाई, लग जाएगा भाई रुक जाओ। इधर घुसते हैं
डोज बोल रहे एक घाट भी डोज बोल रहे 300 का टेल घुसा फिर एक घाट भी आप नहीं हुआ बोल रहे भाई। भाई जैसा भागते हैं वैसा पीता भी है वो तो है। और गाइस लिखा वाली में थोड़ा फ्यूल का रेट भी कम है तो हम लोग का आसाम में अभी 97-98 ऐसा कुछ चल रहा है तो बाकी यार लिखा वाली में 94 में मिल रहा है हम लोग को। भाई देख रहे हो इधर पूरा ये लैंडस्लाइड होने वाला। और भाई यहाँ पे लीन करने के लिए क्या ही मस्त है। ये टाइमिंग लेकिन बहुत खतरनाक टाइमिंग है भाई क्योंकि इस पार से उस पार दिखता नहीं है और बाकी टाइमिंग भी बहुत खतरनाक टाइमिंग है। इसमें मतलब हम पहले भी आपस में मतलब बहुत एक्सपीरियंस देखा था तो भाई होता ही है इसमें। बाकी यार चलाने के लिए क्या ही मस्त लग रहा है इसकी टांग। इधर पूरा इधर हो गया। और भाई ये नज़ारा देखने के लिए क्या ही ऑसम लगता है भाई साहब। देखो भाई एक साथ पूरा ये पहाड़ और एक साथ ये व्यू। ये रहा अभी हम लोग आके पहुंच गए आयरन ब्रिज। अभी हम लोग थोड़ा आयरन ब्रिज के नीचे जाएंगे और बाकी उधर ही जाके थोड़ा एंजॉय करेंगे और इवनिंग राइड का। और उधर ही ये रेस्टोरेंट और ये वाला व्यू देख सकते हो भाई। इधर से लेना है लेफ्ट साइड। आई होप बाइक जो हम लोग ऊपर ही रखना पड़ेगा क्योंकि हम लोग अभी जाने वाले नीचे तो नीचे जाने का रास्ता पहले तो नहीं था। अभी बन गया तो अलग बात है लेकिन पहले आते समय तो रास्ता नहीं था। बन गया क्या रास्ता? मेरे ख्याल से अंकल नीचे जाने का रास्ता नहीं है इधर जा सकते हैं। अच्छा ठीक है भाई रास्ता तो है लेकिन बहुत खराब रास्ता है भाई। ओ भाई बहुत रिक्शा हो जाएगा अभी तो। ओ भाई ये क्या है भाई? ये क्या है बे? मस्त है बे फुल ओवरराइडिंग भाई। ओ बे लग गया कोई नहीं हो गया भाई। तो गाइस अभी जो हम लोग आके मेन डेस्टिनेशन पे आके पहुंच गए और इधर फरबा ब्रो क्या ही फोटो खींच रहा है। ये दिल तुम्हारे प्यार का मरा है दोस्तों। दर सूरत की चांदी सौ तक का
तेरी जान वालिया, होटो पे गालिया, तेरी जान वालिया, होटो पे गालिया, सोचने का मौका नहीं दिया। पटियाला तेरा सूती अमृतसर कमजोर तो दौर से मुझको खींचे अरे ने नो के लागे। अरे हाथ क्यों रहे भाई, इतने मजा से गा रहे हो। मैं तो तेरे पीछे हो लिया ए भाई। तो गाइस अभी टाइम हो गया 4:25। अभी जो हम लोग को निकलना है इधर से। ओ अभी इसका गिटार पकड़ा रहा कोई। अभी जो है गाइस हम लोग को निकलना है इधर से, और इधर से निकलने का भी एक कुछ चैलेंज जैसा हो गया भाई। डीयू को देखा अभी भाई, डीयू की जाने से क्या तो भाई यार सपना क्या ही होगा। बाकी यार बैटमैन हमको इतना निराश नहीं करता अभी, लेकिन क्या ही करेगा वो भाई, खींच नहीं पा रहा है भाई। ये लोग को देखो भाई, ये लोग कैसे खींच रहे हैं, हम अकेला तो नहीं सक रहे भाई। ये बैटमैन ऐसा तो मत करना। वाओ अबे ओए गिर गया भाई मेरे ऊपर में। ओ भाई लग गया भाई मेरे ऊपर ऊपर बेस क्या। अबे ये जूता का लेस इधर लग गया ना मेरे पैर में, लगा है थोड़ा सा यार। ये भी एकला तकलीफ कर रहा है बेचारा। रुको ओ भाई मेरा पूरा सांस फूल गया बे। अरे 390 को देख रहा है भाई, ये जैसे तैसे ऊपर ले गया भाई। जाएगा जाएगा जाएगा, अरे ऐसा नहीं करना था यार, एक ही बार में लेके जाना सही था। ओके थोड़ा सा खींचो यार, गिटार लो गिटार लो पहले। अबे गिटार लो बैटमैन, बैटमैन तो जाएगा हमको लगता है। अबे अपना बैटमैन अरे यार बैटमैन तो कोई भी चीज़ हो भाई, कोई भी सिचुएशन हो वो मैनेज कर ही लेता है। डिपेंड करता है राइडर के ऊपर वो कैसा चलाता है कैसा नहीं चलाता है। बाकी तो यार जैसा भी सिचुएशन हो भाई बैटमैन तो निकल ही जाता है। और भाई कैसा था रोड, कैसा था भाई, फट गया होगा ना अभी तक।
ओ भाई भाई ये वाला ब्रिज हमको बहुत अच्छा लगता है, और ये नज़ारा तो भाई क्या ही बोलूं। भाई वहाँ पे जो मेरा पैर जो बैटमैन का स्टैंड अटक गया था, और इसके बाद बैटमैन मेरे ऊपर, वो भी पैर के ऊपर। अभी जो है भाई लोग इधर फ्यूल भरा रहा था, लेकिन दिक्कत क्या हुआ है नहीं हुआ क्या? हाँ तब तो हो ही गया, ठीक है हो जाएगा चल चल चल।